प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराधियों को कठोर दंड से दंडित कराए जाने एवं महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिले के आला अधिकारी महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना हो और जो केस महिलाओं के संबंधित चल रहे हैं उनमें पुलिस के अधिकारियों जल्दी विवेचना खत्म करके चार्जशीट को न्यायालय में पेश करें, जिससे अपराधियों को सजा दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था का राज था, उसी तरह फिर 5 सालों में कानून व्यवस्था का राज रहेगा, जिसके लिए सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही है और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत कुछ जिलों में अपराधियों को मृत्युदंड भी मिला है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उसको आगे बढ़ाकर न्यायालय में सजा दिलाएं, जिससे कानून का राज स्थापित रहे। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के NIC सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, ADM सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। So now we have the DGP with us, Mukul is with me, and I would like to formally start with a few words, and then I will request Mr. Secretary Law to give his introductory remarks, and also request the DGP to give the introductory remarks, and then we go to the Chief Minister. Today, incidentally, before the Chief Minister, the Cabinet, पिछले 5 साल में he has worked hard as the chief minister, as the home minister, to bring everything to book, and this is one reason why the entire state did see kanun vyavastha ka raj. And all of you know that in the election itself, public at large, people at the on the ground, women on the ground, girls on the ground, anyone who was oppressed on the ground did come forth and say that this is a government which has delivered on the law and order front. The entire police personnel, the entire police machinery of the state has performed well in the last 5 years, and I can also say that the entire machinery of the prosecution department, the entire machinery of the DGCs and ADGCs, the entire machinery of the joint directors down below have reasonably done well, so that our state has seen the rule of law. And the Mission Shakti Abhiyan were launched. And the last edition of the Mission Shakti Abhiyan was launched between 21st of August till the 24th of December. And I would like to highlight Mission Shakti ke Abhiyan ke tahat, wo Bahraich mein 5 mamlon mein mrityudand mila, Pratapgarh mein 5, Shahjahanpur mein 3, Bulandshahr mein 2, Sonbhadr mein 2, Hathras mein 1 aur Firozabad mein 1. Main chahunga कि जितने भी मृत्युदंड के मामले हैं उनको संबंधित जिले के लोग फॉलो अप करें। जो लोग कि जहाँ डेथ सेंटेंस होता है वहाँ एक सिस्टम फॉलो होता है, न्यायपाल का जो है इसमें फॉर्मल रिव्यू भी होता है, इस चीज को फॉलो अप करके हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मृत्युदंड के जितने मामले हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ 10 वर्ष आजीवन कारावास में जो है जिन जनपदों में अच्छा हुआ है काम, बरेली में 63 आजीवन कारावास हुए, सीतापुर में 43, अलीगढ़ में 35, प्रतापगढ़ में 21, बहराइच में 20, मैनपुरी में 19, इटावा में 17, देवरिया में 16, आगरा में 15, चित्रकूट में 13, गाजीपुर में 11, शामली में 10 और ललितपुर में 10। 10 वर्ष से 10 से अधिक की सजा वाले मामले में बरेली, सीतापुर, अलीगढ़